Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. So hello दोस्तों, कैसे हो आप लोग? I hope सब कोई अच्छे होंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी फोटो एडिटिंग लेकर आ गया हूँ, जिसके माध्यम से दोस्तों आप बहुत ही मैजिकल फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। तो दोस्तों सिंपली आपको ओपन करना है पिक्सआर्ट, और दोस्तों पिक्सआर्ट ओपन करने से पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दो पिक्चर्स क्लिक करनी होगी, जो कि आप सिंपली बिना हिले हुए उसी पोज में आप लोगों को दो पोज में क्लिक करनी होगी, जो कि आप लोग सिंपली मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली पिक्सआर्ट में आने के पहले बाद हमको क्या करना है, उस पिक्चर्स को ऐड कर लेना है फर्स्ट वाली को। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, हमारी जो पिक्चर्स है कुछ इस तरह से है, इसको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों फर्स्ट वाली पिक्चर्स हमको कुछ इस तरह से है, इसको हमको ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमको जाना है यहाँ पे ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाके दोस्तों को दूसरी वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लिए दोस्तों, इसको उसी साइड में जूम कर लेना है, तो थोड़ा कैपेसिटी कम कर लेना है, और कम करने के बाद हमको उसी हिसाब से बैठा लेना है ले जा करके। दोस्तों हमारी जो पिक्चर से सेट हो गई है, अब इसको हमको कैपेसिटी बढ़ा देनी है, ठीक है ना। इन्वर्टर देना है और हमको इरेजर टूल्स पे क्लिक करके इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो लिप्स है तो हल्का हल्का दिख रहा है, उसी को हमको पूरा इरेज कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा है तुम्हारा इरेज हो रहा है, बट इरेज हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ इसलिए इतना अच्छा नहीं आएगा, आप लोग अगर करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद सिंपली आपको कैपेसिटी बढ़ा देनी है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जो फ़ोटो है तो जो माउथ है लिप्स है तो हमारे हाथ के ऊपर आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और दोस्तों जो दूसरा वर्ड था कि जो मैंने हाथ पे जो आँख लगाई थी, होंठ लगाया था दोस्तों, तो मैं वही भी उसको भी वो आपको पहले कर देना है, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर डिफरेंस है दोस्तों तो उसको हम इरेज कर देते हैं, सही तो है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर हो जाएंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि कोई इधर जाएगी तो उधर जाएगी। उसमें सिंपली आपको फिर से ऐड फोटो पर जाना है। दोस्तों हमको जो आँख चाहिए तो उसी आँख को हमको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं सिंपली आँख का सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो आँख है तो इसको दोस्तों काटने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे कैंची का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम दोस्तों सिर्फ आँख बस सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमको चाहिए इतना।
बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। हमको यहाँ से इतना चाहिए बस, हमको सेव कर लेनी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों को फोटो भी जूम कर लेनी है हल्का छोटा सा करके। जिस स्थान पे लगानी है आप वहाँ से पे लगा दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों हमको फिर से इरेजर टूल्स को क्लिक करना है और यहाँ पे हमको इन्वर्टर में क्लिक कर देना है। इन्वर्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको सिंपली यहाँ पे इस करके हमारी जितनी आँख है जैसे है तो हमको यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो हमारी आँख है तो लगेगा कि अंदर से दिख रही है, अंदर लगी हुई है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगर लिप्स शो करना है दोस्तों इसी तरह से प्रोसेस हो भी है। दोस्तों कुछ इस तरह से काट करके इसको भी हमको ले जा करके सेट कर देना है। फोटो जूम कर लेते हैं जहाँ पर मन हो दोस्तों वहाँ पे कर देना। फिर दोस्तों को क्या कर देना है सिंपली इरेजर पे क्लिक करके वही वेट क्लिक क्लिक करके हमको कुछ इस तरह से दोस्तों कुछ इस तरह से कर देनी है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है जो आप लोग नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं हैं बट कर लेंगे, दोस्तों डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको चले जाना ब्यूटी वाले ऑप्शन पे। जैसे ब्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको स्मूथ कट ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर आप डन कर दीजिए। कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा दोस्तों। वीडियो को फास्ट कर देते थोड़ा। दोस्तों जो हमारी फ़ोटो है तो स्मूथ हो चुकी है बट हमको स्मूथ यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, ब्रश लेके इरेजर लेके हमको इरेज कर देंगे सब, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमको क्या कर लेना है, फिर से हमको पिंसल वाले आइकन पे क्लिक करके थोड़ा हमको इसको साइज बढ़ा लेना है। हमको जो इसका लिप्स का जो किनारा है दोस्तों किनारे किनारे पर हमको ऐसे कुछ रफ कर देना है। तो दोस्तों जो अलग से हमने सेट की है उसमें भी, इससे क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा फ़ोटो है ना तो एकदम जुड़ा हुआ लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि जो कि हम अलग से लगाए हुए हैं। तो दोस्तों सिंपली हमारी जो फ़ोटो है तो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे।